ध्यान से सुनिएगा और उस घर को सारा गांव देखने भी आता था। वास्तव में उसने बड़ा सुंदर घर बनाया था। एक दिन वो बाहर से आया तो उसके घर में आग लगी हुई थी। सुंदर घर जल रहा था, इतना सुंदर घर जले और वो देखे और रोए, मारा गया, बर्बाद हो गया, सब चला गया, अब क्या करूंगा। जोर जोर से रो रहा था, सबसे मदद मांग रहा था, कोई तो आओ, घर को बचाओ, कुछ तो करो। तो तभी उसका बड़ा लड़का आ गया, बेटा आ गया। पिताजी क्यों रो रहे हो? अरे मूर्ख, आंखों के सामने घर जल रहा है और तू कह रहा है रो रहा हूं। पिताजी को शांत करवाते हुए बेटे ने कहा, पिताजी शांत हो जाइए, ये घर अब हमारा नहीं है। तीन चार दिन पहले मैंने इसको तीन गुना भाव में बेच दिया, अब हमारा नहीं है। तब पिताजी को तसल्ली हुई और रोना बंद कर दिया। बोलना पड़ेगा, यहाँ बात खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई यहाँ बात। शांत हुआ, पानी पिया, थोड़ा संभाला तो दूसरा बेटा आया और पिताजी से कहता है, अरे पिताजी घर जल रहा है और आप आराम से खड़े हो, इतना सुंदर घर हमारा जल रहा है और आप आराम से खड़े हो। तो उसने कहा, अब ये हमारा नहीं है। क्यों? तेरे भाई ने इसको कुछ दिन पहले इसका सौदा कर दिया तीन गुना। उसने कहा, रे बाबा सौदा तो कर दिया लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए हैं। फिर रोना चालू कर दिया, हाय मेरा घर जल रहा है, अरे मारा गया। फिर रोने लग गया जोर जोर से। अब रो रहा है, क्या करूं? अब भी बात खत्म नहीं हुई, रो रहा था। फिर तीसरा बेटा आ गया, पिताजी क्यों रो रहे हो? अरे बेटा सारी जीवन की कमाई इस घर पे लगा दी, ये घर जल गया, बर्बाद हो गया, अब क्या करेंगे? तो कहता, पिताजी मैं अभी अभी भाई ने जिस मकान का सौदा किया था उस व्यक्ति से मिल के आया हूँ, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। उसने कहा है मैं जुबान का पक्का हूँ, मैंने उसी दिन तुम्हारा घर ले लिया था, घर तुम्हारा नहीं जला है, घर मेरा जला है। बोलना पड़ेगा हमारा। जब तीसरे बेटे ने ये बातें कही तो उस व्यक्ति ने रोना बंद किया। क्यों? क्योंकि अब घर उसका नहीं जल रहा था, अब घर किसका जल रहा था? किसका जल रहा था? किसी और का जल रहा था। देखिए, ना घर तेरा है ना घर मेरा है, चिड़िया रहने बसेरा है। बोलना पड़ेगा हमारा। एक विचार देखिए उसके मन, उसने उसकी आंखों ने देखा, विचार आया, घर जल रहा है, रोने लगा। बेटा आया, कहता है नहीं ये अपना नहीं है। और जब दिमाग ने ये बात पकड़ी, मन में विचार आया कि अपना है नहीं तो जलने दो, जलने दो, हमें क्या है। फिर रोना बंद कर दिया। दोबारा आके फिर बेटे ने कहा नहीं नहीं अपना है। फिर विचार आया, फिर रोना शुरू कर दिया। एक विचार जिंदगी में हंसा सकता है, रुला सकता है, बढ़ा सकता है और बर्बाद कर सकता है। तो इन विचारों पर काबू पाइए। बोलना पड़ेगा माना।